दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस का अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। देखो भैया, पंजाब नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, यानी आपको बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स और फीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें चार्जेस आपको ना के बराबर मिलेंगे। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि हम पंजाब नेशनल बैंक में ही क्यों अकाउंट ओपन करें। देखो भैया, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओगे, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, अगर इन प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद जो इनके चार्जेस आपके साथ चिपकाए जाते हैं वो काफी हाई होते हैं। मान लीजिए अगर आपने डेबिट कार्ड लेने के लिए सोचा तो डेबिट कार्ड आपसे 500 रुपए से ऊपर का ही डेबिट कार्ड मिलेगा। जो इनका एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है 700 रुपए का डेबिट कार्ड है, एक्सिस बैंक का 700-800 रुपए का डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक का भी डेबिट कार्ड है। तो यहां पर जो आपको डेबिट कार्ड मिलते हैं तो 500-800 रुपए के डेबिट कार्ड आपको एनुअली चार्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही चेकबुक का भी आपसे चार्ज किया जाता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर भी आपको चार्ज किया जाता है। यानी नाम मात्र का जीरो बैलेंस का अकाउंट रहता है, जो इस पे आपको अकाउंट के बाद आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर भर भर के आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर हम पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो काफी आसानी से आपका अकाउंट भी ऑनलाइन ओपन हो जाता है, वो भी जीरो बैलेंस का। और इसकी मजे की बात यह है कि जिसमें डेबिट कार्ड मिलता है आपको लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, चेकबुक भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहां पर अकाउंट ओपन करने के साथ ही कुछ सिलेक्टेड भी अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की बात करें तो मैं पर्सनली इंडसइंड बैंक का एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट यूज कर रहा हूं, उसको मैंने अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे चार्जेस के नाम पे कुछ भी यहां पर मेरे को देना नहीं पड़ा है। उसके बाद मुझे यहां पर जो डेबिट कार्ड और चेकबुक होता है तो आपको फ्री मेरे एड्रेस पर मुझे डिलीवर्ड कर गया, और एक भी रुपए में जो इनिशियल फंडिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक में स्टेप बाय स्टेप जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करके देखेंगे। और अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपको एक बात बता दें कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखेंगे तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपसे जो परमिशन मांगता है परमिशन आप अलाउ करेंगे, और यहां पर देखिए वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट ओपन करने का यहां पर पूरा इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या यहां पर आधार कार्ड से लिंक, मोबाइल नंबर आपके चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड ओरिजिनल आपको अपने साथ रखना है। तो यहां पर आपको अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा अकाउंट का टाइप। यहां पर आपको अकाउंट के टाइप में देख सकते हैं कि सभी टाइप्स के यहां पर आपको अकाउंट मिल जाएंगे, जैसे पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट है, वुमेन्स है, और यहां पर सेलेक्ट अकाउंट है। लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना है तो पीएनबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहां पर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्री में इंश्योरेंस मिलेगा, एटीएम डेबिट कार्ड आपको फ्री में मिलेगा, एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी आपको जीरो है, इसके साथ ही फ्री में एनईएफटी आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप सारी चीजें आप देख सकते हैं कि फ्री है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है कि आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहां पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, यहां पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए मोबाइल लिंक विद आधार, अब यहां पर देखिए जो मोबाइल नंबर आपको देना है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक रहता है वो मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी कोई भी दे सकते हैं। देन यहां पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए बेसिक डिटेल्स आ जाएगा, यहां पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, नीचे यहां पर नेम आपको फुल नेम आपका देना है एज पर आधार कार्ड, नीचे यहां पर डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं कि काफी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच कर लेगा। यहां पर जेंडर डालेंगे, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है यहां पर डालेंगे, और यहां पर देख सकते हैं इज योर करेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहां पर नो करके आप मैन्युअली अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर सकते हैं। जबकि यहां पर हमारा करंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस सब सेम है तो यहां पर हम यस कर देंगे, और यहां पर जो भी आपका एड्रेस रहता है उसी एड्रेस पर आपका एटीएम डेबिट कार्ड डिलीवर्ड होता है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो भी आपका यहां पर आप नो करेंगे तो मैन्युअली यहां पर अपना एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, एड्रेस फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मिल जाएगा, और यहां पर पिन कोड मिल जाएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटीज सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स यहां पर आप फिल करके यहां पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। और प्रोसीड करने के बाद यहां पर अदर पर्सनल डिटेल्स मिल जाएगा, आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यहां पर आप टिक मार्क करेंगे, अगर आप सिंगल हैं यहां पर आप टिक मार्क नहीं करेंगे। देन यहां पर मदर्स मेडन नेम आपको मिल जाएगा, तो यहां पर आपको मदर्स मेडन नेम डाल देना है, स्पाउस नेम आपको डाल देना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जितना भी डिटेल्स रहता है यहां पर आपका, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो पर्सनल डिटेल्स यहां पर आपको अपना फिल कर देना है। नीचे यहां पर आपको मिल जाएगा रिलीजन, आप क्या रिलीजन क्या है, हिंदू है। उसके बाद यहां पर कैटेगरी मिल जाएगी, जनरल ओबीसी क्या कैटेगरी है। सिटी ऑफ बर्थ मिल जाएगा, कहां आपकी कौन सी सिटी पर आपका जन्म हुआ है। देखो जो भी आपका अगर विलेज एरिया से है तो विलेज एरिया आपकी सिटी पर नहीं रहेगा, तो जो भी आपकी सिटी रहती है डिस्ट्रिक्ट प्लेस
उस सिटी का नाम आपको यहां पर डालना है। जैसे आप सिटी का नाम डालेंगे तो सिटी आपकी लिस्ट आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट यहां पर अपनी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपनी सिटी आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर देखो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या फिर आपने मैट्रिक पास किया है, अदर जो भी रहेगा। तो यहां पर अपना क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कस्टमर का स्टेटस आपको मिल जाएगा, कस्टमर का स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर का टाइप यहां पर मिल जाएगा, कस्टमर का टाइप सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन का टाइप मिल जाएगा, ऑक्यूपेशन के टाइप में आप देख सकते हैं कि हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट है, आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देंगे, सब कैटेगरी मिल जाएगी यहां पर, ऑक्यूपेशन की कैटेगरी मिल जाएगी, ये सब डिटेल्स डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, डेजिग्नेशन डालेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस आपका कितना हो जाता है, एनुअली इनकम। अब यहां पर देखो मजे की बात यह आ जाती है कि एनुअल इनकम अगर आप अपना 1 लाख से 5 लाख डालेंगे या फिर 5 लाख से 15 लाख डालेंगे तब आपका लोन अगर आप लेने जाएंगे या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको अपना एनुअल इनकम आप ज्यादा डाल देंगे और यहां पर नेटवर्थ आपको डाल देना है, एनुअल टर्नओवर कितना हो जाता है, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट आपके अकाउंट पर कितना एक्सपेक्टेड हो जाता है क्रेडिट, ये डाल देंगे। जो आपका एनुअल होता है उसका आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं तो यहां पर सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स यहां पर दे सकते हैं, यहां पर नॉमिनी पर टिक मार करेंगे और नेम ऑफ नॉमिनी आप डाल देंगे, उसके बाद नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है यहां पर रिलेशनशिप डाल देंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहां पर नॉमिनी प्रिंटिंग ऑन पासबुक, अगर अपने पासबुक पर नॉमिनी प्रिंट चाहते हैं तो यस करेंगे और अगर आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहां पर यस करेंगे, अगर सेम नहीं है मान लीजिए नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो यहां पर नो करेंगे और मेनुअली आप नॉमिनी का एड्रेस यहां पर फिल कर सकते हैं जैसे आप अपना करंट एड्रेस फिल किए हैं। देन यहां पर क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहां पर आप प्रोसीड कर देते हैं उसके बाद यहां पर देखिए ब्रांच का सेक्शन आ जाएगा और ब्रांच के सेक्शन में आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट से आप हैं, कौन सी स्टेट की आपको ब्रांच चाहिए। देन यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपका जिला कौन सा है और जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आपको ब्रांच की लिस्ट मिल जाएगी, सेलेक्ट वन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जितनी भी आपके सिटी पर ब्रांचेस रहती हैं सारी पंजाब नेशनल बैंक की यहां पर ब्रांचेस आ जाएंगी। यहां पर अपनी ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपके सिटी पर एक ही ब्रांच है तो यहां पर एक ब्रांच शो होगी और अपनी एक ब्रांच आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए सर्विस का सेक्शन आ जाएगा, सर्विस के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि काफी सारी सर्विसेस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे एटीएम डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ई स्टेटमेंट और अदर सर्विसेज में आप चेकबुक और पासबुक, ये सारी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं तो सभी पर आप टिक मार कर देंगे, सभी सर्विसेज आपकी फ्री है जिस पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, एटीएम डेबिट कार्ड पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो एटीएम डेबिट कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड होगा, इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर देंगे तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ई स्टेटमेंट, चेकबुक, पासबुक सभी चीजें आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर्ड हो जाएंगी। पासबुक आपको ब्रांच से जाके कलेक्ट करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए कंसेंट एंड डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो जितना भी आपका डिक्लेरेशन है यहां पर पढ़ सकते हैं, आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहां पर आपको देखो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो ऑप्शन में आप देखोगे यहां पर आपको वीडियो केवाईसी प्रोसेस दिख रहा है और दूसरा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन में ओटीपी आपका अकाउंट रहेगा, ओटीपी बेस्ड आपका अकाउंट ओपन होगा, इंस्टेंट आपको अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी मिल जाएगा, लेकिन ये आपका लिमिटेड अकाउंट रहता है, एक साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको ब्रांच विजिट करना है और ब्रांच के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होगा, वीडियो केवाईसी के बाद आपको कोई भी ब्रांच विजिट नहीं करना है, वीडियो केवाईसी के बाद ही आपका अकाउंट डिटेल्स मिलेगा। जैसे आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो 7 डेज के अंदर जो वेलकम किट होता है आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो यहां पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन आ जाएगा, जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है पूरा फॉर्म यहां पर आपके सामने प्रीव्यू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी फॉर्म में आपको चेंजिंग करना है तो यहीं पर अपने फॉर्म में आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है तो यहां पर आप पूरा फॉर्म एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए रिक्वेस्ट आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, यहां पर डिटेल्स आ जाएगा और यहां पर आपको वीडियो केवाईसी अपनी कंप्लीट करनी है, प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी मिल जाएगा, यहां पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको शेड्यूल करना है वीडियो केवाईसी के लिए तो यहां पर शेड्यूल कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर आप वीडियो केवाईसी के लिए आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए वीडियो केवाईसी का पूरा आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, आपको अपना ओरिजिनल पिन कार्ड, आधार कार्ड अपने साथ रखना है, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू कलर का आपको पिन अपने साथ रखना है और इसके साथ ही आपको व्हाइट पेपर शीट आपको रखनी है सिग्नेचर करके दिखाने के लिए और फ्यूचर में आपका
कोई भी कॉन्टेक्ट होगा तो आपको उसी सिग्नेचर से आपका कॉन्टेक्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, देन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर बीएनबी वन एप्लीकेशन में आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी बोलेगा डालने के लिए, यूजर आईडी जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विद आधार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद आधार वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पीएनबी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं और अकाउंट डिटेल्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लीजिए।